जल्दी से रुक करेंगे हमारे साथ संजय सरकार हैं, कोलकाता से जुड़ गए हैं। उसके बाद संजय राणा जी के पास आऊंगी, कपिल मैदान फिर है। संजय सरकार जी नेता टीएमसी के हैं, कोलकाता से जुड़ गए हैं। संजय सरकार, ये जो 200 सीटों का आप लोगों ने आपकी पार्टी की तरफ से ममता बनर्जी ने ऑफर दिया है राहुल गांधी को, और साथ ही आपने जो कांग्रेस के नेता हैं उनके बयान को भी आपने सुना ही होगा, ममता बनर्जी कह रही है हमारे रास्ते से आप कोलकाता में बंगाल में हट जाओ, आप हमें सपोर्ट करो, हमारे रास्ते में मत आओ। दूसरी तरफ अधीर रंजन जी कह रहे हैं कि बताइए हमारी वजह से जीती हैं, जब सिंगूर में अनशन कर रही थी तो हम लोग जाके सोनिया गांधी थी जिन्होंने इनको सीएम बनवाया है, उसके बाद हमें ही दरकिनार कर दिया, और आज जब कर्नाटक में हमारी बेधड़क जीत हुई है, बहुमत से जीत हुई है, तो डर के मारे कह रही हैं कि हम लोग सपोर्ट करने को तैयार हैं, हमारे रास्ते में मत आइए। ये कौन सी राजनीति है? बंगाल में लास्ट मतलब जो कम्युनिस्ट का शासन था तो 34 साल बंगाल में लड़ाई किसने किया था? एक ही थे, ममता बनर्जी, सैनी। सैनी के अलावा कोई वहां पर लड़ाई नहीं किया, कोई नहीं था मैदान में, नहीं था। कलकत्ता में दो, कलकत्ता में कुछ थी, दिल्ली में दोस्ती, यही था सिचुएशन। बाद में हम लोग निकाल के आए हैं, वहां से निकाल के आके अपना पार्टी बनाया है, और हम जबरदस्त करेरा झटका हम कम्युनिस्ट को दिया है। आपको मालूम है हिंदुस्तान में दो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, एक सेक्टर जो है आपको मैं बताता हूँ, एक आरएसएस के द्वारा होता है, भारतीय जनता पार्टी में, दो कम्युनिस्ट के, ये लोग का जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है बहुत स्ट्रांग सेक्टर था, और वहां का हम लोग उसको मतलब जो चैलेंज करके वहां पर हम लोग पावर में आया है। और रह गया बंगाल में, बंगाल में अगर अकेला कांग्रेस कभी भी कम्युनिस्ट के साथ में लड़ाई नहीं कर सकती, 56,000 कार्यकर्ता कांग्रेस का, उस जिस समय हम लोग कांग्रेस में थे, कम्युनिस्ट को हत्याएं किया था वहां पर, 56,000 कार्यकर्ता, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप आरटीआई करके ले लीजिए, तो हम जो शहीद हुए हैं हम उसको चेहरा देखेंगे ना, फिर हम कुश्ती करने के लिए कम्युनिस्ट को साथ चला जाएंगे। कांग्रेस वहां पर का किया है, फिर दोबारा कम्युनिस्ट को साथ दोस्ती कर लिया। ममता बनर्जी जो डील कर रही है, जो डील करना चाहती है, जो मीडिया प्लेटफॉर्म में है, ठीक है, उससे जनता का भला तो नहीं होगा? संजय सरकार जी, इससे जनता का क्या भला होगा बताइए? आप जिस तरीके का गठबंधन चाह रहे हैं विपक्ष के लिए, रत्नाकर जी भी अंदर ही अंदर हंस रहे हैं लेकिन बोलेंगे नहीं, उनको भी पता है कि इससे जनता को भला नहीं होगा। मैं कांग्रेस को संगठन और जीत के बारे में हम असमान नहीं कर सकता, हम सम्मत हूँ जो कांग्रेस को लेके लड़ाई करना बहुत जरूरी है इस समय में, लेकिन बंगाल में कांग्रेस को सिचुएशन नहीं है अगर अकेला लड़के 2 सीट जीत पाए। मैं आपको हकीकत बात बता दूं, बंगाल में लास्ट जो चुनाव आपको लोकसभा चुनाव जो होने जा रहा है, अंदर से कांग्रेस के बारे में ऐसा सोचते हैं और ऊपर से 200 सीटों का लालच दे रहे हैं, मतलब ये कौन सी मजबूरी है संजय सरकार? मजबूरी कौन सी आपकी पार्टी की, मजबूरी क्या, जरा ये बताइए। बताइए अंदर आपके जो है, जो आपके दिल में दर्द हो रहा है, उस दर्द को आपने बयां कर दिया कि 2 सीटों पर भी कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। बताइए अभी अभी मंच पे आपने बोल दिया। प्रीति जी, आप आज के तारीख में लिख के रख दीजिए, आने वाला लोकसभा चुनाव में हम 35 से 40 से 20 में रहेंगे, नॉट लेस देन 34 और नॉट मोर देन 41। अरे किसे पता, आप अभी समर्थन मांग रहे हैं लोकसभा में पलट जाए आप लोगों का भरोसा करेगा? अरे ठीक है, मैं अकेला लड़के दिखा देंगे, और 1:1 फाइट करना बहुत जरूरी है, यहाँ दोस्ती लड़ाई